नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चॉइस पॉइंट में। दोस्तों, अगर आपके एरिया में वोल्टेज में ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है तो फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर को घर में रखना बेहद जरूरी है। इसके बिना बिजली पर चलने वाले होम अप्लायंसेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेकार हो जाएंगे। कई बार हाई वोल्टेज की वजह से इन डिवाइस को काफी नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे में वोल्टेज में उतार चढ़ाव आपके लिए महंगा पड़ सकता है। वोल्टेज के अपडाउन से होने वाले नुकसान से बचने का सबसे बढ़िया तरीका वोल्टेज स्टेबलाइजर्स का यूज करना है। यह आपके टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसीआई से जुड़े अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए वोल्टेज को स्टेबल रखता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर्स खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये डिफरेंट डिवाइसेस के लिए फ्रेंडली हो। वोल्टेज रेंज, बिजली की खपत, आइटम का वजन, स्पेसिफिकेशन और इंस्टॉलेशन आदि का भी ध्यान रखना जरूरी है। और इसी के साथ आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 बेस्ट 1.5 टन वोल्टेज स्टेबलाइजर फॉर नॉन इन्वर्टर एसी इन इंडिया 2022। और आप इन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इजीली परचेस कर सकते हैं। एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के फिफ्थ नंबर पे है माइक्रोटेक EM4160 ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर फॉर एसी अप टू 1.5 टन। माइक्रोटेक मार्केट में वोल्टेज स्टेबलाइजर का एक और पॉपुलर ब्रांड है और स्टेबलाइजर में यूज की जाने वाली सेव पावर टेक्नोलॉजी है, जो न केवल आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने में हेल्प करता है बल्कि आपके एसी के लाइफ को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। यह एक वॉल माउंटेड वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो 1.5 टन की एसी की प्रोटेक्शन करता है। आपको इसमें ऑटो स्टार्ट, लो एंड हाई वोल्टेज, कट ऑफ एंड डिजिटल डिस्प्ले जैसे स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर इनपुट वोल्टेज के आधार पर एक स्टेप अप एंड स्टेप डाउन स्टेबलाइजर के रूप में वर्क करता है। यह वोल्टेज स्टेबलाइजर 162-285 वोल्ट्स की रेंज में काम करता है। इस स्टेबलाइजर की खास बात यह है कि यदि इनपुट वोल्टेज इस रेंज से बाहर है तो यह पावर सप्लाई को कट कर देता है। और यह स्टेबलाइजर लो वोल्टेज वाले घरों के लिए माइक्रोटेक EM4160 एक आइडियल चॉइस है। अब इसके प्राइस की बात करें तो इस स्टेबलाइजर को आप 1799 रुपीज में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। लिस्ट के फोर्थ नंबर पे है वीगार्ड मैग्नो 410 वोल्टेज स्टेबलाइजर फॉर नॉन इन्वर्टर एसी अप टू 1.5 टन। वीगार्ड मैग्नो 410 एसी स्टेबलाइजर फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन से जुड़े रिस्क को कम करके आपके एसी की लॉन्गेविटी को बढ़ाता है। 1.5 टन तक के सभी नॉन इन्वर्टर एसी की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यह वॉल पर बढ़ते फैसिलिटी एंड यूजर फ्रेंडली एलईडी स्टेटस इंडिकेटर के साथ में एलिगेंट ढंग से डिजाइन किया गया व्हाइट एबीएस कैबिनेट से आता है। मैग्नो 410 एक थर्मल सेंसर फंक्शन के साथ में आता है, जो अत्यधिक करंट कंजम्पशन को महसूस कर सकता है और आपके डिवाइस को बर्निंग से रोकते हुए पावर लोड को डिस्कनेक्ट कर सकता है। आपको इसमें इंटेलिजेंट टाइम डिले सिस्टम भी मिलता है यदि पावर सप्लाई फेल हो जाता है और 3 मिनट के भीतर फिर से शुरू हो जाता है। इसका वर्किंग रेंज 172-270 वोल्ट्स का है। अब इसके प्राइस की बात करें तो इस स्टेबलाइजर को आप 1804 रुपीज में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इसे भी इजिली परचेस कर सकते हैं। लिस्ट के थर्ड नंबर पे है मॉनिटर वोल्टेज स्टेबलाइजर फॉर 1.5 टन इन्वर्टर एसी। मॉनिटर वोल्टेज स्टेबलाइजर 1.5 टन की मैक्सिमम कैपेसिटी वाले किसी भी एसी के लिए एक ग्रेट स्टेबलाइजर में से एक है और यह सबसे अच्छा एसी स्टेबलाइजर है। यह भी एक कट ऑफ स्टेबलाइजर है जो 170-270 वोल्ट के इनपुट वोल्टेज रेंज के बाहर पावर सप्लाई में कटौती करता है। एक स्लिक एंड अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ में कॉम्पैक्ट है। इसे इजी से एक वॉल पर लगाया जा सकता है। इपॉक्सी कोटेड मेटल बॉडी रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी दोनों इंश्योर करता है। यह 100% कॉपर से बना है। यह स्टेबलाइजर की ऑपरेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। कंपनी आपको इस स्टेबलाइजर का 5 इयर्स का वारंटी देता है। अब बात करें प्राइस की तो इस स्टेबलाइजर को आप 1899 रुपीज में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इसे भी एक बार जरूर चेक कीजिए। लिस्ट के सेकंड नंबर पे है वीगार्ड VG 400 AE10 वोल्टेज स्टेबलाइजर फॉर नॉन इन्वर्टर एसी अप टू 1.5 टन। यह 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर एसी के लिए स्टेबलाइजर है। आपको इसमें एलईडी इंडिकेटर मिलता है, एसी कंप्रेसर के लिए प्रॉपर सेफ्टी नेट इंश्योर करने के लिए इंटेलिजेंट टाइम डिले सिस्टम वॉल माउंटिंग फैसिलिटी के साथ में वाइड एबीएस कैबिनेट, बेटर इनपुट वोल्टेज इंप्रूव के लिए एडवांस आईसी टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजाइन, डिवाइस बर्नआउट को रोकने के लिए बिल्ट इन थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ भी मिलता है। आपको इसमें 1 मीटर का कॉर्ड लेंथ भी मिलता है एंड इसमें एडवांस आईसी टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजाइन किया गया है, जो यहाँ तक एक स्मॉल वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी आपके एक्सपेंसिव गैजेट्स जैसे उनके पीसीबी, डिस्प्ले, पैनल के सेंसिटिव कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको इसमें एलईडी डिस्प्ले भी मिलता है। अब इसके प्राइस की बात करें तो इस वोल्टेज स्टेबलाइजर को आप 2071 रुपीज में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे एवरेस्ट EW400N एलिगेंट डीजी डबल बूस्टर वोल्टेज स्टेबलाइजर अप टू 1.5 टन एसी। यह 1.5 टन एसी के लिए सुटेबल है। इसका वर्किंग रेंज 150-270 वोल्ट्स एंड पावर आउटपुट 200-240 वोल्ट्स का है। टोराइडल ट्रांसफार्मर्स की हेल्प
से एडवांस सेफ्टी मिलता है। सोफिस्टिकेटेड सॉलिड स्टेट सर्किटरी टेक्नोलॉजी के यूज द्वारा ऑप्टिमम क्वालिटी परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलता है। 40% पावर सेविंग, नॉइस फ्री, इंस्टेंट स्टार्ट एंड इंटेलिजेंट टाइम डिले रिविजन जैसे स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। और इसमें आपको 7 सेगमेंट डिजिटल डिस्प्ले आपको इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज को डिजिटली रूप से मॉनिटर करने का परमिशन देता है। यह लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड ओवरलोड कट ऑफ जैसे फीचर्स के साथ में आता है। कंपनी आपको इस वोल्टेज स्टेबलाइजर का 5 ईयर्स का वारंटी देता है। अब बात करें प्राइस की, तो इस वोल्टेज स्टेबलाइजर को आप 2618 रुपीज में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इसे भी एक बार जरूर चेक कीजिए। तो दोस्तों, ये रहे टॉप 5 बेस्ट 1.5 टन वोल्टेज स्टेबलाइजर फॉर एसी इन इंडिया 2022। और आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को अपने चॉइस एंड बजट के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इजिली परचेस कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।